हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इसमें से बटरफ्लाई सलवार बनाना बताएंगे, किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, ये हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, इसमें से हम बहुत ज़्यादा हैवी बनाने वाले हैं। ये किस तरीके से बनाएंगे देखिए। सबसे पहले कपड़े को हम दो लेयर में रखेंगे। ये हमारी अर्ज की साइड से दो लेयर है और इसमें से हम सबसे पहले अपनी बेल्ट कट कर लेंगे। देखिए, यहाँ से हम बेल्ट का जो घेरा वो लेंगे, हमारा 40 इंच है, 40 का हाफ लेंगे, 20 इंच यानी 20। अगर आपका कपड़ा अर्ज में कम है तो यहाँ पर एक छोटी सी पट्टी जोड़ लें, जितना आप चाहें उतना जोड़ सकते हैं, अपने मेजरमेंट के हिसाब से बनाएं। और उसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट लेंगे अपनी, वो हम 9 इंच लेंगे। तैयार हमारी 7 इंच की होगी, 7 इंच यानी कि 1.5 इंच कपड़ा हमारा ऊपर जाएगा और 1/2 इंच हमारा नीचे सिलाई में जाएगा। इसे यहाँ से सीधा कट कर लेंगे। इसको हमने सीधा कट कर लिया है। इसके बाद में हम पार्ट कट करेंगे। अब देखिए, पार्ट की जो हम लेंथ रखेंगे वो 90 इंच तैयार रखेंगे, तो इसमें से हमने लेंथ लेनी है 45 इंच यानी कि 45 इंच लेंगे यहाँ तक। और देखिए, ये कपड़ा हमारा 4 लेयर में है और ये हमने 10 इंच इसकी चौड़ाई ली है। देखिए, यहाँ से 10 इंच है और लंबाई इसकी 45 इंच है और इसके हमें यहाँ से भी कट करना है और इधर से भी कट करना है। इसके 4 पीस कर लेंगे। अब देखिए, इसको हमने 4 पीस में कर लिया है और यहाँ से हमें 2 पीस को जॉइंट करके इस जगह से हम जॉइंट करेंगे सिलकर। और ये लंबा हमारा 90 इंच का एक पार्ट होगा, फिर इसमें प्लेटें डालना बताएंगे। ये हमारे दोनों पार्ट कट हो चुके हैं, इसके बाद इसकी कली कट करेंगे। अब ये देखिए, अर्ज की साइड से हमने फोल्ड किया है, हमारे किनारे की साइड है दोनों, और इधर से बंद है, इधर से हमारा खुला हुआ है और ये हमने अर्ज की तरफ से फोल्ड किया है। और इसके बाद हमें अपना आसन लेना है, तो आसन हम 8.5 इंच लेंगे एंड 8 1/2 इंच आप अपने हिसाब से लें। ये देखिए, हमने 8 1/2 इंच लिया है यहाँ से और यहाँ से इसे अंदर की तरफ जो लेंगे वो 2.5 इंच लेंगे। और इसी तरीके से हम इधर वाले कॉर्नर पे लेंगे। अभी देखिए, इस कॉर्नर पे हमने निशान लगाया, इस वाले पे लगाएंगे, यहाँ से भी 8 1/2 इंच लेंगे हम और अंदर की तरफ 2.5 इंच ले लेंगे। और इस निशान को इस निशान के साथ इस तरीके से मिला देंगे। अब ये देखिए, यहां से हमने इस पे मार्क कर लिया है। और हाँ, पार्ट की हमें जो सलवार की लेंथ लेनी है वो पार्ट के हिसाब से लेनी है। हमें 42 इंच की सलवार तैयार करनी है, तो यहां से हमने देखिए इसे लिया है 35 इंच। इसको हमने 35 इंच लिया है कली को। और अब देखिए, इसे हम यहाँ से साइड से भी कट कर लेंगे। ये जो हमारी बंद की साइड है, कली कट हो चुकी है। अब देखिए, ये पूरी सलवार कट हो चुकी है, इसे सिलना बताएंगे। अब देखिए, इस पार्ट को हम यहाँ से बिल्कुल सीधा सिल लेंगे। अब देखिए, इस पे हमने सीधी सिलाई लगा ली है और इसके बाद में इसे हमें खोल के सीधा करना है और इसके ऊपर भी एक पक्की सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर बिल्कुल सीधे इस तरीके से पकड़ के। अब देखिए, ये जो सिलाई है इसको हमें इस तरीके से सीधा रखना है और इस कपड़े को इस तरीके से रखते हुए इसमें प्लेट डालेंगे। प्लेट करीब हम 2 इंच चौड़ी डालेंगे और ऊपर से हम 2 इंच का गैप छोड़ेंगे इस तरीके से। और इधर की साइड से तुरंत ही हम पिनअप करते जाएंगे ताकि यहाँ पर ये कोर रह सके। देखिए, इसे इसी तरीके से हमें इसमें प्लेटें डालनी है। ये हमें अंदर की तरफ 2 2 इंच कपड़ा हम फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हमने कपड़ा इसकी प्लेटों के लिए बहुत ज़्यादा लिया है। और ये हम बता रहे हैं कि आपको ये 2.5 मीटर सलवार कपड़े में से सलवार बना रहे हैं,
इस तरीके से हम काफी लंबी पार्ट बना सकते हैं और बहुत सारी प्लेटें भी डाल सकते हैं इसमें। देखिए ये हमने प्लेटें भर ली हैं इसमें, और ये हमें 35 इंची रखना है जितनी हमने अपनी कली कट की है, और उससे नीचे ये हमें रखा है 9.5 इंच। इसमें हमने कोई प्लेट नहीं भरी है, ये बाकी हमारा पूरा हमने कली के बराबर ही रखा है। और इधर हमने पिनअप किया है, इधर भी हम सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से। अब देखिए यहाँ से हमें नीचे की तरफ से पार्ट से हमें ये नीचे की तरफ से शुरू करना है। ये हम जो हमारी पार्ट की साइड है इसे हम जॉइंट करेंगे। ये हम नीचे की तरफ से शुरुआत करेंगे और आसन वाली साइड जॉइंट ना हो जाए इस चीज का ध्यान रहे, और इसे हम ऊपर तक इसी तरीके से सिल के तैयार करेंगे। अभी देखिए इसलिए हमने नीचे की तरफ से जॉइंट किया था क्योंकि इतना उतना अगर हमारा नीचे की तरफ रह जाए तो मोहरी में फिनिशिंग नहीं आती है, और ऊपर की तरफ रह जाएगा तो इसमें से हम नेकद कट भी कर सकते हैं और नीचे की तरफ शेप बिगड़ जाती है, इसलिए हमने इसकी शुरुआत नीचे से की थी। और इसी तरीके से हमें दूसरी वाली कली को जॉइंट करना, और इसके ऊपर यहाँ पर पक्की सिलाई लगा लेंगे। और पहले देखिए इसे इस तरीके से रखेंगे, कली को इसमें जॉइंट करेंगे। ये हम नीचे की तरफ से ही दोनों कली को जॉइंट करेंगे, एक पार्ट में दो कली जॉइंट होती है, इसलिए हमें ये देखिए इस तरीके से इसे जॉइंट कर लेना है। ये भी हम इसी तरीके से सीधी सिलाई लगा के इसे जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए इसकी हम मोहरी बना लेंगे। पहले ये हमने बुकरम कट किया है मोहरी के लिए, और ये एक पट्टी कट कर लिया है, ये हम अंदर की तरफ तीनों को एक साथ सिलेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसको बिल्कुल एक साथ मिलाकर के तीनों चीजों को हमें सिलना है। देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इसके ऊपर इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। अब ये देखिए ये हम अंदर की तरफ पलट लेंगे और इसे सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से हम ये वाला पैर तैयार कर रहे हैं इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेंगे और इस पे मोहरी बना के हम तैयार करेंगे। अब देखिए ये हमने बेल्ट भी तैयार कर ली है इसकी। बेल्ट तैयार करना हमने बता रखा है पहले, इसलिए इसमें नहीं बताई है। और ये जो हमारी पार्ट है इसको नाप लेंगे। ये देखिए हमारी ये 10 इंच बची है, और ये हमने जहां पर हमारी डोरी डलेगी वो वाला जॉइंट है, और इसे हमने बिल्कुल सेंटर से किया हुआ है, और इसे यहां से इस तरीके से फुल लेयर में कर लेंगे। और एक कट तो हम पीछे के आसन की जगह पर लगा लेंगे जहां पर हमारा बैक वाला आसन आएगा। और यहां से हमारा देखिए 10 इंच था तो हमें इसका हाफ लेना है क्योंकि हमारा फुल लेयर में है कपड़ा, तो इसमें हमें 5 इंच यहां से लेकर कट लगा लेना है। और जो हमारी ये पार्ट रहेगी इसमें हमारे कोई प्लेट वगैरह नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। ये चारों पीस में हमने कट लगा लिए हैं, इसको खोल के रखेंगे इस तरीके से, और इसमें हम सलवार को जॉइंट करेंगे। देखिए इसको हमने आसन पर रख लिया है और यहाँ से इसे जॉइंट करना है। देखिए सबसे पहले जो प्लेट का डायरेक्शन करेंगे वो हम अपनी तरफ करेंगे।
प्लेट को हमें करीब 1.5 या 2 इंच चौड़ी डालना है क्योंकि कपड़ा ज़्यादा है। इस हिसाब से अब देखिए ये हमारा कट आ चुका है, यहाँ तक हमने इसे प्लेट को लगा लिया है और इसके बाद में हमें कोई प्लेट नहीं भरनी है पार्ट में, इसको हमें सादा ही सिलना है सीधा। और यहाँ पर हमारा वो दूसरा वाला कट है और यहाँ से हमें प्लेट का डायरेक्शन इधर की तरफ करना है, पहले हमने अपनी तरफ किया था और अब हमें दूसरी तरफ करना है। और अब प्लेट हमें बीच वाले जो आसन आएगा बैक वाला वहाँ तक भरनी है, इधर ही मूव करके डायरेक्शन का इधर ही करना है हमें। और ये देखिए ये हमारा बैक वाला आसन है और ये हमारा बैक वाला कट है और इसे यहाँ तक इस तरीके से प्लेट को डाल लेंगे। और इसके बाद देखिए प्लेटों का डायरेक्शन हमें अपनी तरफ करना है, इस चीज़ का ध्यान रहे। इसमें प्लेटों का ही सबसे ज़्यादा वो है महत्व कि किस तरीके से प्लेट डली है। अब प्लेटों का डायरेक्शन हमें अपनी तरफ करना है और फिर पार्ट को खाली सिलना है। अब देखिए प्लेटों का डायरेक्शन हमें इधर की तरफ करना है, पार्ट को हमने सिल लिया है और जितना भी ये कपड़ा बचा है इसी में हमें ये प्लेट में डालकर एडजस्ट करना है। देखिए इसके ऊपर हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगा लेंगे और इसकी फिटिंग वगैरह हमने कर ली है। इसके ऊपर बेल्ट के ऊपर हमें सिलाई लगानी है ताकि ये अच्छे से पक्का हो सके, नेक वगैरह ना निकले। ये पूरे में राउंडली हम सिलाई लगाएंगे और फिटिंग वगैरह करना हमने पहले भी सलवारों में डाल रखी हैं जो भी उनमें बता रखा है, इसलिए इसमें नहीं बताया है। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें ताकि हमारी सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो जो भी आप बने उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसे पूरे पर हम राउंडली इसी तरीके से सीधा सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से हमारी पूरी बन के कम्प्लीट हो चुकी है। ये किस तरीके से बनाई है हमने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखिए आप चाहें तो इसमें मोती भी लगा सकती हैं साइड में या फिर ऐसे ही भी, ये बहुत सुंदर लगती है। थैंक यू।